सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। इस वीडियो में मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बारे में बात करूंगा। पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है। यदि आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर समझना है लिमिट का, तो उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए क्या होता है। एक्स टेंस टू ए को ऐसे लिखते हैं, तो ये इसका क्या मीनिंग है इसको समझिए कि इफ मॉड एक्स माइनस ए इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निगलेक्टेड इन ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देन वी से दैट एक्स टेंस टू ए एंड इट इज रिटन एज एक्स टेंस टू ए। यदि मॉड एक्स माइनस ए इज वेरी स्मॉल, काफ़ी स्मॉल हो, इतना छोटा हो कि इसको हम लोग किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में निगलेक्ट कर सकते हैं, तब हम लोग कहते हैं एक्स टेंस टू ए। यहाँ पर ए तो ए फिक्स नंबर होगा और x का वैल्यू ऐसा लेना है ताकि ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो काफ़ी स्मॉल हो, यानी x का वैल्यू a के काफ़ी नज़दीक लेना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू a के काफ़ी नज़दीक हो तभी हम लोग कहेंगे x टेंस टू a। जरा आगे देखिए इसको, तो दस वी कैन से दैट x टेंस टू a मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू नंबर a। एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो काफ़ी नज़दीक होगा ए का। अगर ए के काफ़ी क्लोज होगा तभी हम लोग उसको एक्स टेंस टू ए कहेंगे। जरा यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक्स टेंस टू फाइव, एक्स टेंस टू फाइव अगर लिख रहे हैं इसका मीन्स क्या हुआ, मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फाइव। एक्स टेंस टू फाइव का मतलब एक्स का वैल्यू लगभग फाइव के बराबर है, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू फाइव, पूरा पूरे एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, लेकिन ये फाइव के काफ़ी नज़दीक होगा और इसको हम लोग एक्स टेंस टू फाइव को हम लोग एक्स अप्रोचेज टू फाइव भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जैसे एक्स हम लोग मान लीजिए 4.5 ले लिए, या 4.5 से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए 4.6 या 4.7 या 4.8 या 4.9 या 4.99 या 4.999 या फिर 4.9999 हो गया, या इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। ये 5 के बराबर कभी नहीं हुआ है, ये 5 के काफ़ी क्लोज पहुंच चुका है। एक्स धीरे 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 इंक्रीज करके ये 5 के काफ़ी क्लोज, या लास्ट वाला आप देख रहे हैं ये 5 के काफ़ी क्लोज है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे एक्स टेंस टू 5। अगर आप देखिए दूसरे तरीके से हम लोग ये भी समझ सकते हैं, ये अभी इंक्रीज करके बढ़ रहा था, यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक्स का वैल्यू 5.5 है, अब डिक्रीज हो रहा है, 5.4 हो गया या 5.3 हो गया या 5.2 हो गया या 5.1 हो गया या 5.01 हो गया या 5.001 हो गया। इसी तरीके से ये 5 के एग्जैक्टली इक्वल तो कभी नहीं आया है, लेकिन 5.000001 है ये डॉट डॉट, तो ये 5 के काफ़ी नज़दीक आ गया है डिक्रीज करके, तो x टेंस टू 5 कहेंगे। यानी कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हुए धीरे धीरे 5 के नज़दीक जा रहा है तब भी x टेंस टू 5, या x का वैल्यू 5 से आगे से ये डिक्रीज करते हुए 5 तक आ रहा है तो भी हम लोग x टेंस टू 5 कहेंगे। यानी दो तरीके से टेंस टू होगा, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, एक इंक्रीज होकर के और एक डिक्रीज होकर के। जैसे यहाँ पर आप नंबर लाइन पर समझिए, नंबर लाइन पर हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं 5 और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा पॉइंट x ले रहे हैं और x जो है वो 5 के लेफ्ट साइड है। अब x का जो वैल्यू है वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये 5 के नज़दीक चल जाए, जैसे आप समझिए इसको कि x धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये 5 के नज़दीक जा रहा है, तो 5 के नज़दीक जा रहा है तो हम लोग x टेंस टू 5 कहेंगे, और लेफ्ट साइड से जा रहा था तो लेफ्ट साइड से जाएगा, तो ये इधर से लेफ्ट साइड से 5 के लेफ्ट साइड से जा रहा है तो इसको हम लोग x टेंस टू 5 कहेंगे, लेकिन ये लेफ्ट साइड से जा रहा है। और अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं राइट साइड में, यानी कि ये जो नंबर होगा x वो 5 से बड़ा होगा, और ये इधर से भी हम लोग धीरे धीरे x के नज़दीक ला सकते हैं इसको। तो x के नज़दीक अगर ये जाता है राइट साइड से तो हम लोग इसको इधर से ले जा रहे हैं राइट साइड से, तो दो तरीका हुआ टेंस टू 5 करने के लिए, या तो लेफ्ट साइड से 5 की तरफ ले जा सकते हैं या फिर राइट साइड से 5 की तरफ ले जा सकते हैं।
तो इफ एक्स अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर एक्स 5 की तरफ लेफ्ट साइड से जाता है तो देन वी राइट एक्स टेंस टू 5 माइनस, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स टेंस टू 5 माइनस लिखते हैं अगर लेफ्ट साइड से जाता है, या फिर एक्स टेंस टू 5 माइनस 0 लिखते हैं। यहाँ देखिए इफ एफ अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 5 देन वी राइट एक्स टेंस टू 5 प्लस और एक्स टेंस टू 5 प्लस 0। अगर राइट साइड से एक्स 5 की तरफ आ रहा है तो वैसे केस में हम लोग लिखेंगे x टेंस टू 5 प्लस या फिर x टेंस टू 5 प्लस 0। तो लेफ्ट साइड से अगर जाता है तो इसको हम लोग लिखते हैं x टेंस टू 5 माइनस, और लेफ्ट साइड से अगर x 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वैसे केस में x का जो वैल्यू आएगा वो 5 से हमेशा स्मॉलर होगा। आप ये देख रहे हैं फर्स्ट केस में कि x का वैल्यू हमेशा 5 से छोटा ही है, तो लेफ्ट साइड से जब भी x 5 की तरफ जाएगा तो वो 5 से हमेशा छोटा होगा, और उस केस में x टेंस टू 5 माइनस लिखेंगे। 5 माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 से वैल्यू हमेशा x का स्मॉलर होगा, या इसको x टेंस टू 5 माइनस 0 लिखेंगे कि ये 5 तक तो जाएगा, ये 5 के काफ़ी नज़दीक जाएगा लेकिन उससे स्मॉलर होगा। और अगर राइट साइड से जाता है तो वैसे केस में वो डिक्रीज होकर के धीरे धीरे 5 की तरफ जाएगा, तो डिक्रीज होकर के जाएगा तो ये 5 से हमेशा इसका वैल्यू बड़ा ही होगा। 5 के पूरे बराबर तो कभी नहीं हो रहा है लेकिन ये 5 से 5 के काफ़ी क्लोज है, तो x जो है वो 5 के काफ़ी क्लोज पहुंच जाएगा लेकिन x का वैल्यू 5 से बड़ा ही रहेगा, तो उसको x टेंस टू 5 प्लस लिखेंगे। 5 प्लस मीन्स 5 से बड़ा ही हमेशा x का वैल्यू होगा। यहाँ पर x टेंस टू 5 प्लस 0 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक रिजल्ट जिसका काफ़ी यूज है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में भी इसका यूज होगा, कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा बोथ साइड इम्प्लाइज ए माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन ए प्लस डेल्टा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तो x जो है x का वैल्यू बीच में रखेंगे, और यहाँ a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा को लेफ्ट साइड a माइनस डेल्टा और राइट साइड a प्लस डेल्टा, यानी x का जो वैल्यू है यही दोनों नंबर के बीच में होगा। तो इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, और इसको प्रूफ समझिए उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर हम लोग दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं ये जो मॉड के अंदर x माइनस ए है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और जीरो जो है वो इस केस में हम लोग फर्स्ट केस में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक्स कोई नंबर है, ए कोई दूसरा नंबर है, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो सपोज कीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप मॉड एक्स का क्या डेफिनेशन होता है ये समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूँगा। मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है एक्स ही इसका वैल्यू होगा अगर एक्स ये मॉड के अंदर जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि मॉड के जो अंदर नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो उस समय मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा, और यदि मॉड के अंदर वाला नंबर अगर लेस देन जीरो हो तो उस समय मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है। यानी कि मॉड यदि हटाना है तो ये देखना पड़ेगा कि अंदर में कौन सा नंबर है। यदि पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉड हटा करके एक्स लिख सकते हैं, यदि नेगेटिव है इस अंदर में नंबर जो है तो नेगेटिव रहने पर मॉड हटाने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन हो गया मॉड एक्स का। तो यहाँ पर मॉड एक्स माइनस ए क्या होगा, मॉड एक्स माइनस ए तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये वाला केस आप देख रहे हैं कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो सीधे मॉड हट जाता है, इसका वैल्यू एक्स हो जाता है। तो मॉड एक्स माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस ए, डायरेक्ट मॉड हट जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा दिया हुआ है, तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉड एक्स माइनस ए का वैल्यू हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए, और x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि a को इधर ले जाते हैं तो x लेस देन ए प्लस डेल्टा, इसको नंबर वन करके छोड़ दीजिए। अब दूसरा केस लेते हैं, केस सेकेंड ले रहे हैं वन x माइनस ए लेस देन जीरो। यहाँ जो मॉड के अंदर था वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पहले ले चुके हैं, अब हम लोग ले रहे हैं मॉड x माइनस ए लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो में क्या होगा, ये नंबर नेगेटिव है तो मॉड x माइनस ए में मॉड हटाने के बाद माइनस लगा देना पड़ेगा। डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि मॉड x का वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स होता है। कब होता है, अगर x लेस देन जीरो रहे तो मॉड के अंदर जो नंबर है अगर नेगेटिव रहे तो मॉड हटाने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x माइनस ए नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से जब छोटा है तो मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। अब इसको आगे देखिए, दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, यहाँ पर तो ये फर्स्ट में दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब मॉड एक्स माइनस ए का वैल्यू देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, कि मॉड एक्स माइनस ए का वैल्यू यहाँ पर माइनस एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पर हम लोग मॉड एक्स माइनस ए का वैल्यू
माइनस एक्स माइनस ए लिख रहे हैं, इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू माइनस एक्स माइनस ए लिख रहे हैं और लेस देन डेल्टा यहाँ पर है वो रहने दीजिए। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स लेस देन डेल्टा। अब क्या कीजिए हम लोग, ए माइनस डेल्टा, डेल्टा को इधर ले आते हैं और एक्स को उधर ले जाते हैं, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स हो गया, इसको नंबर हम लोग टू कर देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं वन और टू को, तो वन में क्या था, ये पहले टू को आप देखिए, टू में क्या है, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, तो यहाँ पर ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लिखते हैं, और फर्स्ट में क्या है, एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखते हैं एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। तो ये दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक्स का वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में आ गया। तो हम लोग क्या लिए, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा लेकर के चले और दिखा दिए कि ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। अब हम लोग लेफ्ट साइड से लेकर के चले राइट साइड दिखाएं, राइट साइड लेकर के भी चल सकते हैं और लेफ्ट साइड भी दिखा सकते हैं। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का क्या मीनिंग होता है। मैं अभी समझाया था कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मीन्स एक्स का जो वैल्यू है वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में होगा। तो इसको एक नंबर लाइन पर समझिए कि नंबर लाइन पर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेल्टा डिस्टेंस पर हम लोग लेफ्ट साइड में एक दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ए माइनस डेल्टा हो जाएगा। ये पॉइंट ए है और यहाँ से डेल्टा डिस्टेंस पर जब लेफ्ट साइड में पॉइंट लेंगे तो ए माइनस डेल्टा, और राइट साइड में भी हम लोग एक पॉइंट लेते हैं डेल्टा डिस्टेंस पर ही, ये जो पॉइंट है राइट साइड में ले रहे हैं और डेल्टा डिस्टेंस पर ले रहे हैं, तो ये पॉइंट ए प्लस डेल्टा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में एक कोई भी पॉइंट एक्स लेते हैं, इस पूरे इंटरवल में कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो x जब पॉइंट ले रहे हैं तो इसके बीच का क्या डिस्टेंस होगा, x और a के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मॉड x माइनस a से लिखते हैं। तो ये जो है कोई भी पॉइंट, चाहे वो राइट साइड में है रहे a का या लेफ्ट साइड में रहे, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग मॉड x माइनस a लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हम लोग एक पॉइंट टू ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं फाइव, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना हो तो मॉड टू माइनस फाइव हम लोग लिख सकते हैं। तो मॉड टू माइनस फाइव का वैल्यू कितना आएगा, मॉड टू माइनस फाइव का वैल्यू थ्री आ जाएगा, टू माइनस फाइव मीन्स माइनस थ्री और माइनस थ्री का मॉडुलस थ्री हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मॉड टू माइनस फाइव से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो मॉड एक्स माइनस ए हो गया, और ये जो मॉड एक्स माइनस ए है ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से स्मॉलर होगा। अब हम लोग एक्स का वैल्यू अगर ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर भी ले लें तो ये जो डिस्टेंस आएगा एक्स और ए के बीच का निश्चित रूप से वो डेल्टा से स्मॉलर होगा, और इस डिस्टेंस को ही हम लोग मॉड एक्स माइनस ए कह रहे हैं। तो मॉड एक्स माइनस ए निश्चित रूप से डेल्टा से स्मॉलर ही होगा, यानी मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग एक्स का वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में रखेंगे। हम लोग यहाँ पर भी अगर एक्स को रख लेते हैं तो यहाँ पर भी एक्स रख लेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस है मॉड एक्स माइनस ए बताएगा और वो डेल्टा से स्मॉलर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स को हम लोग इसके बीच में नहीं रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा से बड़ा हो जाएगा। तो डेल्टा से बड़ा हो जाएगा तो एक्स जो है वो इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में होने के लिए ज़रूर मॉड एक्स माइनस ए जो है वो लेस देन डेल्टा आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्स टेंस टू ए मीन्स क्या हुआ, एक्स टेंस टू ए मीन्स अभी मैं बताया था कि एक्स टेंस टू ए मीन्स हो गया एक्स से ए के काफ़ी नज़दीक, या फिर इसको हम लोग कह रहे थे कि मॉड एक्स माइनस ए इज वेरी स्मॉल। तो मॉड एक्स माइनस ए इज वेरी स्मॉल, मॉड एक्स माइनस ए हम लोग डेल्टा से भी छोटा ले रहे हैं, डेल्टा वेरी स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉड एक्स माइनस ए अगर डेल्टा से छोटा रखेंगे तो ये काफ़ी छोटा होगा, और जीरो से बड़ा ही रखना है, जीरो के इक्वल नहीं रखना है, क्योंकि एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स ए के एग्जैक्टली इक्वल कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर मॉड एक्स माइनस ए जो है वो जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, जीरो के बराबर अगर कर देंगे तो क्या होगा, एक्स और ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जीरो से बड़ा रख रहे हैं लेकिन डेल्टा से छोटा, और डेल्टा काफ़ी छोटा नंबर है तो ये भी वेरी स्मॉल हो जाएगा, और इतना स्मॉल हो जाएगा कि किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहेंगे कि एक्स टेंस टू ए, यानी कि अगर मॉड एक्स माइनस ए जीरो और डेल्टा के बीच में हो जहाँ डेल्टा वेरी स्मॉल नंबर है तो एक्स टेंस टू ए कहेंगे।
और ये जो इंटरवल आ रहा है ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, वो ए का नेबरहुड कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट का सेट आएगा, तो वो सारे पॉइंट के सेट को हम लोग ए का नेबरहुड कहेंगे। अब हम लोग इसका मतलब, ये जो है ये इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू ए होगा, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू ए होगा। तो x जो है वो नॉट इक्वल टू a है, लेकिन x का वैल्यू इसी के बीच में रखना है। अगर ये जीरो और डेल्टा के बीच में आ रहा है, इसका मतलब x जो है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा, लेकिन x नॉट इक्वल टू a होगा। यहाँ जीरो से बड़ा जब लेंगे तो x कभी भी a के इक्वल नहीं होगा। तो x टेंस टू a का मीनिंग यही हुआ कि x जो है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा, x नॉट इक्वल टू a होगा, और डेल्टा जो है वो वेरी स्मॉल हो गया, यानी कि एक्स जो है वो ए के नेबरहुड में आ गया। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा जो सेट बनेगा रियल नंबर का, वो ए का नेबरहुड कहलाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट का डेफिनेशन देखिए, जो आप 12 क्लास में पढ़े होंगे कि लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड ए एल बी टू रियल नंबर्स। कोई भी फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं और ए एल जो है वो दो रियल नंबर ले रहे हैं। x टेंस टू a अगर लेते हैं हम लोग और उस समय एफ एक्स टेंस टू l हो जाए, अगर x को a की तरफ बढ़ाते हैं तो फंक्शन अगर l की ओर बढ़ जाए, तभी हम लोग कहते हैं कि फंक्शन का जो लिमिट है एज x टेंस टू a इज इक्वल टू l। क्या मीनिंग होता है यहाँ पर, x को हम लोग a की ओर ले जा रहे हैं, x को यदि a की ओर ले जाते हैं, x धीरे धीरे a की तरफ बढ़ रहा है, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू किधर बढ़ना चाहिए, l की ओर बढ़ना चाहिए। यदि l की ओर बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट l है। ये डिफिनेशन था। अब लेट एप्सिलॉन एंड डेल्टा बी टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये स्मॉल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, दो नंबर लिए एप्सिलॉन डेल्टा। x टेंस टू a का क्या मीनिंग है, मैं अभी समझा चुका हूँ कि x टेंस टू a का मीनिंग है कि मॉड x माइनस a जो है लेस देन डेल्टा होगा और जीरो से बड़ा होगा। इसी तरीके से एफ एक्स टेंस टू एल का मतलब, यहाँ पर देखिए एक्स टेंस टू ए जो है वो ये एक एक इक्वल कभी नहीं आएगा, लेकिन फंक्शन एफ एक्स टेंस टू जब एल लेते हैं तो वो एल के इक्वल हो सकता है, फंक्शन एफ एल के बराबर भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर एफ एक्स टेंस टू एल, टेंस टू का मीनिंग क्या बताया कि मीनिंग बताया कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ डेल्टा ले चुके हैं इसीलिए यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन लिए। x टेंस टू a का मीनिंग हो गया मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा। उसी तरीके से एफ एक्स टेंस टू l का मीनिंग हो गया मॉड एफ एक्स माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स भी एनी फंक्शन और a l भी टू रियल नंबर, तो यहाँ पर x टेंस टू a, x टेंस टू a को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टेंस टू a को ऐसा लिख सकते हैं और एफ एक्स टेंस टू l को कैसा लिख सकते हैं, एफ एक्स टेंस टू l को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे तब फंक्शन का लिमिट l होता है, यानी जब x टेंस टू a की ओर ले जाते हैं तो एफ एक्स एफ ऑफ x जो है वो l की ओर जाना चाहिए, तब फंक्शन का लिमिट l होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग इसके x टेंस टू a जो लिख रहे थे उसके बदले हम लोग ऐसे लिखेंगे, और एफ एक्स टेंस टू l जो लिख रहे थे उसके बदले हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। फंक्शन जो है वो a के नेबरहुड में कहीं पर भी डिफाइंड है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट a। हो सकता है वो a पॉइंट पर डिफाइंड नहीं हो, लेकिन a पॉइंट के नेबरहुड में जितना भी पॉइंट है सभी पर फंक्शन डिफाइंड है। देन ये रियल नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू a। जो रियल नंबर l है वो फंक्शन का लिमिट कहलाएगा एज एक्सटेंस टू a इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ये रियल नंबर डेल्टा सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जीरो लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो ऊपर आप पहले पढ़ते थे डिफिनेशन लिमिट का, कुछ वैसा ही चीज़ है कि फंक्शन का लिमिट एल कब कहलाता है, जब मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो, वेन एवर मॉड जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x टेंस टू a हो गया, तो x टेंस टू a जब लेंगे तो ये कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन से fx टेंस टू l लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब fx टेंस टू l, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब x टेंस टू a। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया x टेंस टू a, यानी जब x टेंस टू a हो रहा है उस समय f ऑफ x टेंस टू l हो रहा है,
तो अगर ये x टेंस टू a करने से f x टेंस टू l हो जाए तो फंक्शन का लिमिट जो होता है वो l होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इसको आप ये जो मेन डेफिनेशन है इसको आप याद रखिएगा और हम लोग लिखते हैं एंड वी राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एल। तो ये जो डेफिनेशन है यही मेन डेफिनेशन हो गया, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, ये जो फंक्शन है वो ए के नेबरहुड में कहीं पर भी डिफाइंड है एक्सेप्ट पॉसिबली, हो सकता है ए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, देन ये रियल नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ एक्स, कोई भी रियल नंबर एल जो है वो फंक्शन का लिमिट कहलाएगा एज एक्सटेंस टू ए इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल, ये एप्सिलॉन जो है वो वेरी स्मॉल भी हो सकता है, पॉजिटिव लेना है, उसके करिस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन वन एवर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो एप्सिलॉन और डेल्टा, एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलेगा और ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन का जो लिमिट है वो एल है एज एक्सटेंस टू ए। तो यही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हो गया, आप जो पहले पढ़े हैं 12th क्लास में कुछ वैसा ही है, एक्स टेंस टू ए के बदले हम लोग यहाँ पर एक्स टेंस टू ए के बदले इस तरीके से लिख रहे हैं और एफ एक्स टेंस टू एल के बदले हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया और एक कोई फंक्शन ले रहे हैं जो जिसका इक्वेशन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स का ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ, ये अभी मैं बता चुका हूँ लिमिट का जो डेफिनेशन था कि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वन एवर मॉड एक्स माइनस एल लाइज बिटवीन जीरो एंड डेल्टा, अगर ऐसा हो जाए तभी हम लोग फंक्शन का लिमिट कहते हैं एल। तो इसको समझिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ, जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा का मतलब हो गया कि एक्स जो है वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में होगा, एक्स नॉट इक्वल टू ए होगा, यहाँ पर भी जीरो लिखा हुआ है गलती से, वो एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स ए के इक्वल नहीं होगा लेकिन एक्स का वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में कहीं भी होगा। और ये इस यहाँ जो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एक्स जो है वो लाइज करेगा किसके बीच, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस डेल एल प्लस एप्सिलॉन के बीच, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ वैसे यहाँ पर भी इसी के हेल्प से ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स का जो वैल्यू था वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाइज करता था। तो इसका मीनिंग ये हो गया, यानी कि इसका मीनिंग हो गया कि एफ एक्स का वैल्यू जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच होगा और इसका मीनिंग हो गया कि एक्स का वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तब फंक्शन का लिमिट एल होता है। तो इसको ग्राफ से समझिए, अब यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ए कह रहे हैं, देखिए ये पॉइंट पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब हम लोग ए पॉइंट से डेल्टा डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट जो आएगा वो ए माइनस डेल्टा हो जाएगा और यहाँ से हम लोग डेल्टा डिस्टेंस राइट साइड में एक पॉइंट ले रहे हैं, वो पॉइंट जो है वो ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए माइनस डेल्टा पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ए माइनस डेल्टा पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये इधर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर भी a प्लस डेल्टा पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ जहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है वहाँ से हम लोग फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ये एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ किए। सपोज कीजिए a पॉइंट है, ये पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है वो सपोज कीजिए यहाँ पर l है a पॉइंट पर और यहाँ से एप्सिलॉन डेल्टा डिस्टेंस नीचे पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, ये l माइनस एप्सिलॉन होगा और एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन डिस्टेंस पर ऊपर एक पॉइंट लेते हैं वो l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर भी x लेते हैं, ये जो है वो a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग x कह रहे हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आएगा ये x है और कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है ये इस पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो एफ ऑफ एक्स होगा और यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये पॉइंट जो है वो एफ एक्स हो गया। यानी कि अब हम यहाँ पर समझिए कि ये जो पॉइंट ले रहे हैं वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर भी ले रहे हैं, तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में अगर हम लोग ले रहे हैं तो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू किसके बीच हो रहा है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आना चाहिए।
अगर इस बीच में आ रहा है तो फंक्शन का जो लिमिट है ए पॉइंट पर एल होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और इसका मीनिंग हो गया कि एक्स का जो वैल्यू है वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में। तो यदि आप एक्स का वैल्यू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में रख रहे हैं, मतलब ए के नेबरहुड में रख रहे हैं, तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो किसके बीच में होना चाहिए, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर भी आप अगर एक्स रखते हैं तो जो भी फंक्शन का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर ही मिलेगा, इसी के बीच में आएगा। आप यहाँ पर आप लेते हैं एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में कहीं पर भी लेते हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में, तो जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो आपका यहाँ पर ही मिलेगा एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो इसका मतलब एक्स जो है अगर ए के नेबरहुड में रख रहे हैं तो फंक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है वो एल के नेबरहुड में मिल रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन का लिमिट क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया फ्रेंड्स। अब आप यदि इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ आगे बताऊँगा और फिर कंटिन्यूटी का भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः धन्यवाद, थैंक यू।